2018 में पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत डार्क कंडीशन के लोग मिलते हैं। तो मैं पहले दिन पहुंचा भाई, मैं गया देखा, मैं बोला भाई फंस गया उरे। तो भाई 24-25 घंटे का सफ़र हुआ भाई। मैं बोला भाई यहाँ से तो निकलना मुश्किल है। बाहर निकले, मैंने, मेरा बॉस था, मैं बोला सर सिगरेट सिगरेट पी लें, बोला भाई पी लो। तो जहाज वहीं खड़ी थी, मैं उस जहाज को देख रहा आमने सामने हो रहे। मैं बोला सर ये वापस जाएगी क्या? बोला हाँ जाएगी। मैं बोला ले चलो सर फिर। बोला नहीं यार अब तो, बोला आ गया तो रुकना पड़ेगा। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। तो भाई वो मेरा पहला दिन था वहाँ पे। अगले दिन मैं निकला वहाँ से, तो एक रेस्टोरेंट देखा, जैसे भाई का कैफे है वैसे एक रेस्टोरेंट, फट फट रेस्टोरेंट। मैं बोला वो मेरे साथ मतलब क्या होता है, बाहर जाते तो एक लोकल बंदा आपके साथ जरूर देंगे ताकि समझ सके। मैंने उनसे, मेरा बॉस था, मैंने उनसे पूछा सर फट फट क्या है? बोला क्विक क्विक। मैं बोला इंडिया में फटाफट कहते हैं, वहाँ पे भाई वो फटफट का मतलब होता है आप फटाफट कह देते, वहाँ पे कहते हैं फटफट। कोई क्विक नहीं कहता, जो अपने इंग्लिश में सिखाते कुछ नहीं कहते, फटफट फटाफट। कुछ टाइम बीता जी, 15-20 दिन के बाद दो बंदे, अब उनकी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जी, आप हरियाणवी हो राजस्थानी हो तो वो अपनी लोकल भाषा में बात करेंगे, ये नहीं है कि भाई आप इंग्लिश में बात करोगे, मेरी लोकल भाषा में बात करते। दो बंदे आपस में बात कर रहे, मेरे को एक ही वर्ड समझ में आ रहा, न्यारी बात न्यारी बात न्यारी बात। मैं बोला स्टॉप, व्हाट इज न्यारी बात? तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया, बोला इफ यू से समथिंग इन द मॉर्निंग एंड डिफरेंट इन द इवनिंग दैट इज कॉल्ड न्यारी बात। तो मेरे को ये हो गया भाई यार, हरियाणा के बुड्ढे कब आए थे यहाँ पे भाई, ये तो यार अपने वर्ड है। तो धीरे धीरे मैंने उनकी भाई थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज मेरे को पता चला। तो भाई शुरू में तो 10-12 दिन तो नींद ही नहीं आई। मैं बोला यार कड़ा फंस गया, रोज नई नई चीज, जो गांव की अपनी चीजें हैं वो मेरे को वहां पे दिख रही। मैं बोला सर तू पागल हो गया, घर के भी को पिछाड़े ही भी तो जाके मैं फंस गया तू यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या किया भाई, लिखना शुरू कर दिया भाई, जो भी मेरे को कोई चीज मिले वर्ड मिले मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे भाई वहां पे एक भाषा मिली मेरे को, मंडिंका है जी, वो करीब करीब 4-5 देशों में बोली जाती है वेस्ट अफ्रीका के। और मंडिंका पीपल 100% मुस्लिम है। और मैं आपको कुछ वो भाषा मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको समझ में भी बल्कि आ जाएगी। जैसे बोलते हैं जी, शुरू में पूछते हैं वो सुमोले, थोड़ा संस्कृत और हिंदी से रिलेट करें देखना, सुमोले सुमोले का मतलब है भी हाउ आर यू। तो उसका जवाब है जी अभी जय, या फिर अभी भी जय, इसका मतलब आप समझते ही हो। फिर वो पूछते हैं जी कॉन्टनंटे, मतलब कॉन्टनंटे मतलब कौन टनाटन, उसका जवाब होता है जी टनंटे, या फिर टनो टनंटे मतलब टनाटन, या फिर टन टनाटन। ठीक है जी। अच्छा बारिश को, बारिश का मौसम हो रहा बढ़िया, तो वहां का एक अफ्रीका का बूढ़ा मेरे को आगे कहता समा कनाले। मैं बोला व्हाट इज समा? बोला रेनी सीजन वी कॉल्ड समा। तो भाई समा ही अपने कहते हैं, सुबह को सुबह कहते हैं, फर्स्ट प्रे इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड सुबह। ठीक है जी। और कुछ अपने रीति रिवाज है, जैसे अपने यहाँ पे भाई अपने सिस्टर हो या बुआ हो उसके घर में खाली हाथ नहीं जाते, तो अफ्रीका भाई का भी कोई भी आदमी है ना खाली हाथ नहीं जाएगा। और जो मैं आपको ये भाषा बता रहा हूँ इसमें बोलते हैं जी पानी को बोलते हैं जियो जियो, भाई पानी के बगैर तो जी ही नहीं सकते, तो पानी को बोलते हैं जियो। आसमान को बोलते हैं जी सांगो, अब सांग कहते बोले अपने बूढ़े आदमी सांग करा करते, तो वहां पे उस भाषा में आसमान को बोलते हैं जी संगो। ठीक है जी। और एक वहां पे मतलब अलग अलग ट्राइब थी, जोला मंड जैसे अपने हो गए जी, जाट हो गए, ब्राह्मण हो गए और हरिजन हो गए, हर प्रकार की जातियां वहां पे भी होती है, तो वो उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती थी वो बोलते थे। जैसे जी हम बोलते हैं पुदीना, वहां पे बोलते जी नाना। ठीक है जी। ताऊ बोलते, वो भी ताऊ बोलते हैं, हम भी ताऊ बोलते हैं, ताऊ हमारे तो आपको पता है किसको बोलते हैं, वहां पे ताऊ बोलते जी खुद के सबसे बड़े भाई को, जो सबसे बड़ा भाई है उसको ताऊ बोलते हैं वहां पे। और सबसे छोटे को बोलते हैं चाट, अपने बोल देते हैं चाचा, अपने दादा के रिलेशन में बोल देते हैं वो फादर के रिलेशन में। माँ को माँ कहते हैं भाई, मदर नहीं कहते हैं, मोम नहीं कहते हैं, जो भी कहने लगे सारे कहने लगे मोम हाउ आर यू, मोम क्यों है भाई, वहां पे भी माँ कहते हैं। फादर को कहते हैं बाबा, आप भी बाबा कहो बाबू कहते हैं, हाँ अपने हरियाणा में बाबू कहते हैं, वैसे बाबा का मतलब फादर होता है। ठीक है जी। सबसे बड़ी सिस्टर,
उसको एक स्पेशल नाम देते हैं जी, वो माता, जैसे वहां पे लड़कियों के नाम होते फातू, तो उसका नाम मिलेगा तो सबसे बड़ी उसका नाम मिलेगा फातू माता। और बड़ी बहन है ना, माता ही होती है मेरे भाई, माँ ही होती है। उसने वो सारे काम करे हैं जो आपकी माँ ने आपके साथ करे हैं। तो भाई बड़ी बहन होगी, माँ होगी, बाबू, उनका भाई कहना मानना करो, ठीक है जी। और एक बंदा मिल गया मेरे को, हम खाना खाने लग रहे, बोला उसको चावल वहां पे क्या करते, ब्रेड खाते हैं साहब। और जो आप जिंदगी जी रहे हो, जितने भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो 80% दुनिया का सपना है कि हमारी जिंदगी ऐसी हो। अफ्रीका में 3 टाइम रोटी मिल जाए ना, तो वो शाम को प्रार्थना करता है कि आज समस्या क्या थी, 3 टाइम रोटी कैसे मिल गई। एक सरकारी आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपये है भाई। यहाँ पे बहुत से आदमी बैठे हैं, बहुत तो काम भी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी वो 10,000 से फालतू फूकते हैं खुद के खर्चे पे। अरे भगवान, अब कहते बोले इंडिया में पैदा हो गए, अरे भगवान से प्रार्थना करो, अफ्रीका में नहीं हुए या फिर चाइना में नहीं हुए। यहाँ पे सवेरे उठे, डाडी बनाई, अरबन मोटरसाइकिल मारे, चल पड़े, शाम में बड़े कोई पूछता पूछने वाला नहीं। अब ये भाई बैठा है, कितने साल का है भाई? हाँ 25 का होगा, 26 का होगा। कोई बात नहीं। वहां पे यदि 25-26 साल का बंदा है, उससे पूछो भी तो क्या करता है, वो बताएगा वो 9वीं क्लास में हूँ। अरे 9वीं क्लास में कैसे है? बोला भाई 2 साल नौकरी करता हूँ, 2 साल पढ़ाई करता हूँ, 2 साल नौकरी करता हूँ, 2 साल पढ़ाई करता हूँ। अरे यहाँ पे तो बोला 1 साल ड्रॉप हो गया, 1 साल फेल हो गया। ओहो, बोला उस जिन्हें कौन दे क्या फायदा भाई। तो वहाँ पे भाई 25-25 साल के मैंने 9वीं या 10वीं क्लास में देखे, तो उस चीज से कभी मत घबराओ कि मैं फेल हो गया। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक। और फेल होने वाला कभी कामयाब भी, मतलब आगे फेल नहीं होगा, एक बार फेल हो गया ना वो आगे जरूर कामयाब होगा। जो फेल ही नहीं हुआ उसने कुछ देखा ही नहीं। मेरा तो ये मानना है फेल होने के बाद आदमी एक बार ड्रॉप होता है धम, जब उसको सारे दिखते वो सब कुछ बढ़िया है यार, तू फंस गया बस। तो भाई फेल का कोई मतलब नहीं होता जिंदगी में, फेल होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, जो पास होता रहा उसने क्या देखा, उसने कुछ नहीं देखा, ठीक है भाई। घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। तो भाई वहां पे बोलते दुनिया दिया तले, दुनिया दिया तले का मतलब है जी दुनिया बहुत बढ़िया है। और हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिया तले अंधेरा। अब इन दोनों कहावतों को, एक अफ्रीका की कहावत है, एक अपने हरियाणा की कहावत है, यदि इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा जिस कंट्री में मैं था गांबिया, उसकी लोकेशन क्या है। That country is very close to the sun, और इसका मतलब ये दिया तले होता है भाई। तो हमारे बूढ़े थे जो गांव के अंदर, बूढ़ा आदमी आपको बात बता सकता है ना, वो आपको पूरी दुनिया में मिलेगी, और उनकी कदर भी करनी चाहिए। जो उनकी अपनी पुरानी कहावतें हैं, अपने रीति रिवाज हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल वैसे के वैसे है मेरे भाई। अब ये कहते हैं, मैं बता रहा हूँ जिस कंट्री में मैं था वहाँ पे 97% मुस्लिम हैं, तो उनको भाई कौन समा सिखा गया है, कौन कौन टनंटे सिखा गया है, ठीक है जी, कौन दिया तले सिखा गया है। तो ये इससे पहले भी तो दुनिया थी, या भी आई है दुनिया, तो इससे पहले भी थी। यही मेरे को पता चला कि भाई हमारे हरियाणा का जो कल्चर है ना, हम हरियाणवी जो आदमी है, या पंजाब के लगा लो, उत्तर भारत का जो है, वो कल्चर दुनिया का सबसे बड़ा कल्चर है मेरे भाई। मेरे से एक बंदे ने पूछ ली, भाई तुम क्या करते हो, किस चीज़ की पूजा करते हो, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, दो ही होते हैं, मतलब क्रिश्चियन या मुस्लिम, हिंदू को तो जानते ही कौन है हिंदू। तो उसने मेरे से पूछा भाई तुम क्या हो, तो भाई मैं अपने गांव से आता हूँ मेरे भाई, लगभग सारे आदमी गांव से ही आ रहे हैं। तो अपने गांव में जाते सबसे पहले भाई मंदिर में जाते तो ये कहते हैं, मतलब खेती बाड़ी कर दो, दूध दही दो। तो मैंने उसको ये बात बताई जी, मैं हमारे तो पहले तो खेती बाड़ी की मांगते, फिर पशु की मांगते हैं, तीसरे पे हमारा नंबर आता, फिर ये कहता हूँ भाई किसका लड़का है तू बता। तो उस बंदे ने, वो एक मुस्लिम था, और वो एक मतलब कि जो स्कूलों में पढ़ाते हैं इस्लाम को, वो टीचर था, उसने मेरे को कहा भाई इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कि जिसके अंदर पेड़ पौधों की मांगी जाए और पशुओं की मांगी जाए, इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई प्राउड करो, हम यहाँ पे पैदा हुए। मेरे से पूछने लगा, बोला दुनिया की सबसे बढ़िया जगह कहाँ है? मैं भाई हिसार। बोला कैसे? मैं बोला भाई तुम चलो, हमारा ये है मेरे भाई, यहाँ पे जितने आदमी बैठे, किसी आदमी कोई चोट लग जाओ, शाम को 20 आदमी मिलने आ जाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करने आ जाते हैं,
यहाँ की लाइफ जो हम जी रहे हैं ना भाई, जो भी जी रहे हैं वो 80% दुनिया से ये सोचती है कि हमारा सपना है यार ऐसी लाइफ हो, हम सुबह उठें, नहाएं धोएं, कॉलेज जाएं, खाएं पिएं, शाम को आगे सो जाएं। लेकिन ऐसी लाइफ नहीं है भाई। ब्रेड आता है साहब वहाँ पे, वो आता है टापा लापा, 20 रुपये का ब्रेड आता है, उसके अंदर ही उसमें चिकन लगा लिया, अंडा लगा लिया, कुछ भी खा के ब्लैक टी पीते हैं, ठीक है जी, अटाया पीते हैं। सिर्फ एक चीज़ मेरे को उनकी बढ़िया लगी भाई, वो जो अपनी लकड़ी होती है ना, किसी भी प्रकार की लकड़ी, नीम की होगी, नींबू की होगी, वो क्या करते हैं, वो बोतल में डाल कर वो पानी पीते हैं। हर आदमी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, उनकी अलग अलग रेसिपी होती है, उस हिसाब से वो बोतल बनाई जाती है और वो पी जाती है मेरे भाई। और 2 साल में भाई वहाँ पे मेरे को किसी ने ये परेशान नहीं करा कि भाई तू कौन है। अब यहाँ पे कहते हिंदू मुस्लिम, ठीक है जी, और मोदी जी के आने बाद तो और बढ़िया तरीके से हो गया। एक मोदी जी का फेमस सा डायलॉग था, बोला हम तो फकीर है झोला लेके चल देंगे, उसे नेक्स्ट वाला वो साइलेंट था, जैसे नाइफ में केस साइलेंट होता है ना, तो उसने कहा था बोला हम तो फकीर है झोला लेके चल देंगे लेकिन किसी के झोले में कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो सबके झोले साफ कर दिए हैं भाई, सब कुछ बेच दिया। अब किसान है, मेरे से एक बंदे ने पूछ ली वहाँ पे अफ्रीका में, अफ्रीका के आपको आप नेट पे सर्च करोगे ना, 70% बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड अफ्रीका के अंदर आती है, क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं करते, तो वहाँ पे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में था, तो वहाँ पे एक मिनिस्टर से मेरी बात हो रही, वो बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। तो मैंने उसको बताया था, मैं सिर्फ एक ही फ़र्क है जी, हमारे पास फार्मर है, किसान है हमारे पास, हमारे पास खेती है और उनके पास खेती नहीं है। अफ्रीका की भुखमरी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास किसान है और उनके पास किसान नहीं है। और अब किसान की यहाँ पे भी वही दुर्दशा हो रही है कि भाई यदि किसान ही छोड़ दी तो भाई मैं आपको ये 10 साल के बाद देख लेना, लो आपको है ना ब्रेकफास्ट ना दुकान पे से ही करना पड़ेगा, घर में से नहीं बनेगा सिस्टम। तो मेरे भाई जो डिफरेंस है अफ्रीका में और इंडिया में, वही अब सरकार उसके पीछे पड़ रही है। तो ये तो भाई बिल्कुल नाजायज हो रहा है। ठीक है भाइयों।